सुबह सुबह जॉगिंग करके आओ तो एकदम शरीर में जान आ जाती है, लेकिन यार मैं तो काफी थक गया जॉगिंग करके। अब एक काम करता हूँ, आराम से जाके सारे फोन स्विच ऑफ करके आराम से सोऊंगा, जल्दी जल्दी चलता हूँ। लेकिन एक मिनट, ये कौन लोग हैं बिन बुलाए मेहमान मेरे स्टॉक मैंसर में क्या कर रहे हैं? ए कौन हो तुम लोग? अरे गाइज एक मिनट, ये मुझे कुछ नॉर्मल इंसान नहीं लग रहे, कुछ तो गड़बड़ है। तुम लोगों की शक्ल जानी पहचानी सी क्यों लगी? अरे बाप रे यार, मुझे लग रहा है ये कहीं ना कहीं बिच्छू गैंग के मेंबर तो नहीं है, जाकर देखना पड़ेगा। ए तुम्हारा बॉस कहाँ पर है? हमारा बॉस अंदर है। अरे यार मुझे जाना पड़ेगा जल्दी जल्दी, यार ये तो परेशानी हो गई। ए तुम लोग यहाँ कर क्या रहे हो? हमारे बॉस ने तुम्हारा कब्जा कर लिया है। क्या मतलब मेरा कब्जा कर लिया? मुझे लगता है जरूर इन्होंने मेरी जायदाद हथिया ली है, इनको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। एक मिनट तुम्हें बताता हूँ बेटा। आओ आओ टोनी स्टार्क, आओ, तुम्हारा इंतजार था हमको। कैसे बढ़िया, तुम मेहमान हो, आराम से बैठो। क्या मतलब मेहमान हूँ? मेहमान तुम लोग हो, ये मेरा घर है, निकलो यहाँ से, नहीं तो अभी सूट पहनकर ऐसा बजाऊंगा ना तुम लोगों को। भैया ये घर अब हमारा हुआ, तुमने हमारी डेप्थ पूरी नहीं की। अब से 7 साल पहले तुम हमारे घर आए थे और हमें पैसा नहीं दिया, अब ये घर हमारा हुआ। अरे यार ये क्या परेशानी हो गई गाइस। असल में मैंने 7 साल पहले एक वर्ल्ड वॉर के समय इन लोगों से मदद ली थी कुछ पैसों की, लेकिन इतने पैसों की भी नहीं कि मेरे पूरा घर को छीन ले। अब तो मुझे किसी ना किसी से मदद लेनी होगी, ये तो बहुत ही बड़ी परेशानी हो गई। जल्दी जल्दी जाता हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा पूरा घर बार सब कुछ लुट गया और मेरे सूट्स भी मेरे नहीं रहे। फ्रैंकलिन मेरी मदद कर दे। अरे यार ये फ्रैंकलिन है कहाँ पर? एक मिनट, ये रहा फ्रैंकलिन, सुन मेरी बात सुन। आ गया तू फिर से? हाँ मतलब ही फिर से जरूर कोई जरूरत पड़ी होगी, नहीं तो इस गरीब दोस्त को कौन पहचानता है, कौन याद करता है? यार मेरी बात सुन, ये रोना धोना बाद में करना भाई, बहुत बड़ी परेशानी आ गई है, मेरा पैसा मेरा सूट सब कुछ छिन चुके हैं, प्लीज मेरी मदद कर दे। अच्छा चल मैं तुझे एक गारंटी दूँ तो काम करेगा। कैसी गारंटी? अगर तूने मेरी मदद की इस चीज में, मेरा घर मुझे वापस दिलवाया सेफली, तो मैं तुझे इस दुनिया का सबसे रिचेस्ट आयरन मैन बना दूंगा। क्या मतलब तुझसे भी ज्यादा रिचेस्ट? हाँ बिल्कुल, मैं अपना सूट पास कम रख लूंगा लेकिन तुझे ज्यादा पैसा दे दूंगा। अरे फिर तो करना बनता है गाइस, टोनी स्टार्क ने मुझे एक गन दी है। बेचारा टोनी स्टार्क हमारा आयरन मैन तो है लेकिन मेरी तरह फाइटर स्मार्ट नहीं है ना, तो गाइस चलो जल्दी जल्दी चलता हूँ, जाकर टोनी स्टार्क का सबसे पहले मुझे एक सूट ढूंढना होगा, और एक सूट जो कि इन टेररिस्ट लोगों ने छुपा रखा है। मैंने सुना इस अपार्टमेंट के ही अंदर मुझे वो सूट मिलेगा, तो दोस्तों प्लीज आप लोग मेरी मदद कर दीजिए। ये ला, इस वीडियो को प्लीज लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि आज मैं बनने वाला हूँ दुनिया का सबसे रिचेस्ट आयरन मैन। जल्दी जल्दी करता हूँ नहीं तो इतना गरीब पड़ा रहा मैं, ये लो इनको ढूंढ के मारूंगा। ए जल्दी बताओ कहाँ ये ब्लू आयरन मैन का सूट? अरे गाइस मिल ही नहीं रहा, प्लीज आप लोग शायद मुझे लगता है लाइक नहीं कर रहे हैं वीडियो को, या चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज मेरे लिए, क्योंकि मुझे चाहिए वो सूट। जल्दी जल्दी मार दो, कहाँ भागोगे? अरे बॉस को बताओ हम पर हमला हुआ है, KO KO। तुम्हारी तो रुको, अपने बॉस को कहाँ से बताओगे? तुम सबकी इतनी बुरी बैंड बजाऊंगा ना मैं, भागोगे? भागो भागा के मारूंगा तुमको। ये ला क्या बात है गाइस, देखा मेरा भी अलग ही भरम है, बेशक गरीब हूँ लेकिन काफी तेवर वाला बंदा हूँ मैं। चलो मेरे हिसाब से मैंने सबको पीट लिया, लेकिन एक मिनट ये क्या, एक बंदा और भग रहा है, तुझे बता दो बेटा तेरी तो ये ले भगकर देखा। हाँ देखा गाइस मैंने फाइनली, ये ले। अरे यार ये तो निकलते ही आ रहे हैं, मुझे इस अपार्टमेंट में जाके ढूंढना पड़ेगा। यार कितना दिमाग खराब कर रहे हैं, हम तेरे को खत्म कर देंगे। अरे यार ये ले तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मुझे लगता है दोस्तों सब मर चुके हैं। हम बहुत सारे हैं, तुम हमको नहीं मार पाओगे। बहुत हो गया। अरे एक मिनट कहाँ पर गया ये ब्लू स्टील? एक मिनट, ये लो। इससे पहले कि अपने बॉस को जाके बताए, मुझे सारे बंदों को मारना था, और फाइनली गाइस मैंने सबको मार दिया। अब समय आ गया है ब्लू स्टील सूट को ढूंढने का, वो यहीं कहीं लोगों ने छुपा रखा होगा। जल्दी जल्दी चाहता हूँ, मुझे ब्लू स्टील चाहिए। ओके गाइस यहीं देखते हैं, इस बार अपार्टमेंट बताया था टोनी स्टार्क ने, सूट तो बताया था लेकिन गाइस सूट है कहाँ पर दिख नहीं रहा। अरे यार मिल जा, कहाँ है एक? अरे बाप रे गाइस देखो ये रहा सूट, क्या बात है। हाँ तो फाइनली मुझे ब्लू स्टील सूट मिल चुका है, उसने बताया था इसको अगर मैं किसी तरह के कोड को एक्सेप्ट करूँ तो ये मुझे पहन लेगा, मेरा मतलब मैं इसको पहन लूंगा। क्या बोले जा रहा हूँ, जाओ इस मुझे सूट पहना दो। क्या बात है गाइस, काम कर गया। इतना नॉर्मल सा कोड था। चलो अब जल्दी जल्दी चलते हैं, हमें टोनी स्टार्क के पास चलना होगा और उसको ये सूट देना होगा। आज तो मजा ही आ गया, अब मैं दुनिया का सबसे रिचेस्ट GTA 5 का आयरन मैन बन जाऊंगा। टोनी स्टार्क कहाँ पर है तू? हाँ ये रहा टोनी स्टार्क, तो ले भाई तेरा ब्लू स्टील सूट, अब मुझे पैसा दे दे, मुझे बना दे दुनिया का सबसे अमीर आयरन मैन। मेरी बात सुन, मैंने तुझसे सूट इसलिए मंगाया जिससे कि तू मेरे घर को और मेरी इज्जत को बचा सके। कहने का क्या मतलब है तेरा? जल्दी जा और जाकर मेरे स्टॉक मेंशन में जितने भी टेररिस्ट बैठे हैं, बिच्छू गैंग वाले बंदे, उन सबको खत्म कर और आखिर बता मुझे। ठीक है समझ गया, बाकी मेरा पैसा ट्रांसफर कर देना अकाउंट में। चलो गाइज अब जल्दी चलते हैं और जाकर खत्म करते हैं इसके सबसे बड़ी दुश्मन गैंग बिच्छू गैंग को। हाँ और मेरी बात सुन,
सुन, जैसी अपडेट हो जाए मुझे कॉल कर लेना। हाँ ठीक है, मैं तुझे कॉल कर लूंगा, चिंता मत कर। चलो गाइस अब जल्दी जल्दी यहाँ से निकलते हैं हम, और उसके बाद हम खत्म करेंगे बिच्छू गैंग को। अरे यही बातें करता रहेगा या जाएगा भी? अरे जा रहा हूँ ना भाई। चलो अब दोस्तों जल्दी जल्दी चलते हैं यहाँ से, उसके बाद तो हम खत्म ही कर देंगे। लेकिन यार मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, ये टोनी स्टार्क के इतने बड़े बड़े विलन कहाँ से आ जाते हैं? कोई बात नहीं है, मुझे क्या, मेरा तो फायदा है, मैं तो रिची बन जाऊंगा। क्या बात है, देखिए यहाँ पर कहाँ पर, अरे ये सारी की सारी, इनको पकड़ता हूँ। तुम्हारी तो अब बैंड बजाऊंगा मैं तुम्हारी, रुको। अरे एक मिनट, ये मारा तुझे ये। अरे भैया बॉस को बताओ, हम पर हमला हुआ है, केओ केओ। ये कैसा कोड है, केओ केओ, सबकी बैंड बजा दी। ये लो, बिल्कुल पागलों की तरह खड़े हैं, बिल्कुल बकवास इंसान ये। क्या ही मारा मैंने इसको, मजा ही आ गया पीट करके। एक मिनट, ये रहा, ये ले और ये ले और ये ले और ये ले और ये ले, ये ले तू भी खा, ये ले, कोई सा भी नहीं बचेगा। एक मिनट, ये ले, एक मिनट, वो राग बंदा, ये भी बता दो मैं, ये ले। अरे यार इतने सारे बॉडी गार्ड्स भी होते हैं क्या किसी के, वो भी इतने बकवास। और ये और कुछ और बच्चे हैं, इनकी बैंड बजाते हैं, ये ले। कौन है, कौन हमला कर रहा है हम पर? इसका मतलब ये इनका बॉस होगा। लेकिन एक ये रहा, ये ले तेरे तो। अरे भैया हमको बचाओ, पागल क्या कर रहे हो? गाइस पता नहीं कैसे गैंग है, कुछ कर ही नहीं रहे। ये सबको मार दूंगा, ये रहा खत्म कर दूंगा। तो फाइनली गाइस मैंने सबको खत्म कर दिया है, मुझे लगता है अब सब कुछ सेफ हो चुका है। हम तेरे को छोड़ेगा नहीं, बिच्छू गैंग बहुत खतरनाक है। गाइस देख रहे हो, खुद तड़प रहा है और मेरे को धमकी दे रहा है। तो हाँ मैं कह रहा था टोनी स्टार्क को कॉल लगा लेता हूँ। जावेस टोनी स्टार्क को जल्द से जल्द कॉल लगा दो। अरे बाप रे, एक मिनट, ये क्या, जावेस जवाब क्यों नहीं दे रहा? मुझे लगता है सूट हमारा ऑफलाइन है। अब मुझे खुद जाके टोनी स्टार्क को बताना होगा कि मैंने उसका स्टार्क मेंशन बचा लिया है, और अब मैं गॉड रिच ब्लू आयरन मैन भी बन जाऊंगा। क्या बात है, इससे बढ़िया बात हो ही नहीं सकती। चल जल्दी 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 यहाँ से निकलते हैं। एक मिनट, कहाँ पर है टोनी स्टार्क? यहीं तो था। हम तुझे खत्म कर देंगे टोनी स्टार्क। ये किसकी आवाज़ आ रही है? अरे बाप रे, एक मिनट, नहीं, अरे यार ये क्या, गाइस जो इंसान मुझे सबसे रिच बनाने वाला था वो तो खुद किडनैप हो चुका है। सही कहा, टोनी स्टार्क अब मेरे अंदर है। मेरी बात सुन, अगर टोनी स्टार्क को जिंदा देखना चाहता है तो मेरी बिच्छू गैंग को जिंदा छोड़ दे। क्या मतलब, मैं तो उनको अभी मार कर आ रहा हूँ। अरे भाई मुझे माफ कर दे, मैंने उनको मार दिया। तेरी हिम्मत कैसे हुई, मैं तुझे खत्म कर दूंगा, समझा फ्रैंकलिन? अरे भाई भागो यहाँ से जल्दी जल्दी। गाइस मेरे बिच्छू गैंग को खत्म कर दिया, मुझे तो पता भी नहीं था। ये बिच्छू गैंग का मालिक तो रेड हल्क नहीं, रिवेंजर हल्क निकला। टोनी स्टार्क बहुत बड़ा चीटर है, काश उसने बताया होगा, होता तो मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को लेता ही नहीं, बहुत ही बुरा फंस गया। लेकिन अब क्या करूं, मुझे टोनी स्टार्क को बचाने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज क्या सहना पड़ा है। क्या बात है, क्या चाहिए रे तेरे को? अरे भाई असल में टोनी स्टार्क बहुत ही बड़ी मुसीबत में है। बिच्छू गैंग नाम की कोई गैंग है जो कि रेवेंजर हल्क के अंडर काम करती है, उसने हमला किया था बिच्छू गैंग ने, समझ रहा है ना तू? ठीक है आगे बढ़ो। तो भाई प्लीज मेरी मदद कर दे टोनी स्टार्क को बचाने के लिए, इस सूट को अपग्रेड कर दे, इसको गॉड ब्लू आयरन बना दे। उसके लिए तेरे को ग्रे हल्क के पास जाना पड़ेगा। अच्छा ऐसी बात है, पता नहीं इसने ग्रे हल्क बोला था या ग्रीन हल्क, मैं तो ग्रीन हल्क के पास ही आ गया। कौन है, यहाँ पर क्यों आया है? अरे भाई असल में मैं फ्रैंकलिन हूँ, तभी तो सोचूं टोनी स्टार्क तो मर चुका है। क्या, टोनी स्टार्क कब मर गया? यही तो न्यूज फैली हुई है कि रिवेंजर ने मार दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी बात सुन भाई, मुझे कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए, मेरी मदद कर दे। मेरे पास कोई इंग्रेडिएंट नहीं है, क्यों मारा? भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं, सॉरी माफ करना, असल में जाना तो मुझे ग्रे हल्क के पास था, लेकिन अब क्या करूं, ग्रीन हल्क से ही वो इंग्रेडिएंट्स ले लेता हूं, है तो ये सारे के सारे हल्क ही। चलो गाइस जल्द से जल्द इसकी बॉडी में से वो सारे के सारे सुपर पावर और इंग्रेडिएंट्स निकाल देते हैं, जिससे डॉक्टर स्ट्रेंज जादू करके मुझे पावरफुल बनाएगा, जिससे कि मैं रिवेंजर हल्क से लड़के टोनी स्टार्क को बचा लूं। मेरे हिसाब से इतना इनफ रहेगा। चलो जल्दी जल्दी चलते हैं, मेरे पास बहुत ही कम समय मुझे गॉड रिच ब्लू आयरन मैन बनने के लिए टोनी स्टार्क को तो बचाना ही पड़ेगा। हां तो डॉक्टर स्ट्रेंज भाई, मैं सारे इंग्रेडिएंट्स और पावर सोर्सेस लेकर आया हूं, अब जल्द से जल्द मुझे बना दे गॉड ब्लू आयरन मैन। मैं तेरे को गॉड ब्लू आयरन मैन तो नहीं बना पाएगा, लेकिन प्रो ब्लू आयरन मैन बना देगा। ठीक है प्रो ब्लू आयरन मैन भी चलेगा। ठीक है तू बच्चे, अब तू बनने वाला है गॉड ब्लू की जगह प्रो ब्लू आयरन मैन। अरे बाप रे गाइस, ये किस तरह के मैजिक वॉन्ड्स निकल रहे हैं मेरी तरफ से? ये बहुत ही खतरनाक चीज है बच्चे, सांस मत ले नहीं तो मर जाएगा। अरे सांस नहीं लूंगा तो भी तो मर जाऊंगा ना। तू आयरन मैन के सूट के अंदर है, नहीं मरेगा। ठीक है मैं सांस लेना बंद कर देता हूँ, डायरेक्टली बस बोलता रहता हूँ। अब कितना टाइम हो लगेगा? बस हो गया। अरे वाह, मुझे एनर्जाइज फील हो रहा है अपनी बॉडी के अंदर। तो अब मैं इसकी नई पावर्स किस तरह से यूज करूँ? तू जिस तरह से सोचना चाहता है उस तरह से सोच, तू जिस तरह से सोचेगा तेरा सूट उस तरह से काम करेगा। समझ गया, थैंक यू सो मच। चलो गाइस अब जल्दी चलते हैं, रिवेंजर हल्क की तो मैं बैंड बजा दूंगा। कहां पर गया ये रहा, आ गया तू वापस, तेरी हिम्मत कैसे हुई वापस आने की, आज मैं तुझे खत्म कर दूंगा। अरे बाप रे यार, फ्रैंकलिन जल्दी बचा भाई, मैं तुझे सच में इस दुनिया का सबसे रिचेस्ट आयरन मैन बना दूंगा। बस तू इस बात का लालच दे देता है ना मुझे टोनी स्टार्क, तुम अपनी जिंदगी पे खेल जाता हो बार बार।
पर। ठीक है, अब इसके लिए रिवेंजर हल्क की क्यों ना सही, मैं उसको भी मार दूंगा। अच्छा बेटा मुझे मारेगा? बिल्कुल मैं तुझे मारूंगा। गाइस चलो अब रिवेंजर से लड़ते हैं। अब ये ले और ये ले, क्या बात है गाइस, डॉक्टर स्ट्रेंज ने सही कहा था। मैंने सोचा ब्लेड आ जाए तो ब्लेड आ गए। ये सूट तो बहुत ही अच्छी तरह से मैनिपुलेशन टाइप की पावर्स के साथ वर्क कर रहा है, बहुत ही कमाल की चीज है। अरे बाप रे यार ये क्या, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तेरे ये पिट्टी से खिलौने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। अच्छा बेटा ये ले, ये तो बहुत कुछ बिगाड़ेंगे। अरे यार ये तो मरा ही नहीं अभी भी। अरे बाप रे भागो, आराम से ठीक है। कहाँ गया ये? अरे यार ये किस तरह की पावर्स यूज कर रहा है? मेरे पास बहुत ही खतरनाक ब्लेड है बच्चे। अरे बाप रे ये रहा, आसमान नहीं छोड़ूंगा जब तक मर नहीं जाए। निकनेट कहाँ गया? अरे बाप रे लगता है मर गया फाइनली। हमने रिवेंजर को हरा दिया, अब तो मैं बनूंगा श्योरिटी के साथ रिवेंजर हल्क। तो क्या रिवेंजर हल्क का बाप, मेरा कहने का मतलब रिवेंजर हल्क से भी ज्यादा पावरफुल। चलो गाइस अब जल्दी चलते हैं क्योंकि हमें रिचेस्ट ब्लू आयरन मैन जो बनना है। टोनी स्टॉक कहाँ पर है? अरे इधर ही तो था, भागना जाए कहीं, मुझे सारा पैसा चाहिए मेरा। कहाँ पर गया टोनी स्टॉक? अरे अरे आ जा फ्रैंकलिन आ जा, मैंने तेरा सारा पैसा तेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, साथ साथ में तेरे लिए एक घर खरीदवा दिया है। और हाँ अब तू बनने वाला है गॉड ब्लू रिचेस्ट आयरन मैन, समझा? शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए, अब मैं स्टॉक मैन से जा रहा हूँ। क्या बात है गाइस, ये देखिए मैं बन गया हूँ गॉड आयरन मैन, वो भी रिचेस्ट एलिमेंटल सूट के साथ। और देखिए मेरे पास कितना पैसा है, कितनी सारी लैम्बोर्गिनी, कितना बड़ा बंगला, कितना सारा सोना। क्या करूँ इस पैसे का, काम करते हैं गाइस, इसको बेचकर कुछ और खरीदते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कमेंट में पार्ट टू जरूर लिखिए, जरूर आ जाएगा। और हाँ स्क्रीन पर जो आपको वीडियो दिख रहे हैं वो भी देख लीजिए। थैंक यू सो मच।